अजमेर राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के सदस्यों ने अखिल भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन रोडवेज बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। इसकी जानकारी देते हुए फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष आनंद सिंह नयाल ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है। रोडवेज कर्मचारियों को एक एक दो दो महीने तक अपनी पेंशन और वेतन के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से बस अड्डा प्राधिकरण के तहत नई योजनाएं लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द रोडवेज में 2000 नई बसों की खरीद करें और रोडवेज में रिक्त पड़े पदों पर जल्द से जल्द कर्मचारियों की नई भर्तियां की जाए। इस संबंध में फेडरेशन के नेतृत्व में रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्य प्रबंधक के माध्यम से रोडवेज अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। जी सर, आज किसको लेकर के प्रदर्शन किया है? 6 मई 2022 को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने राजधानी जयपुर में एक विशाल रैली की थी। उस रैली में हमने राजस्थान सरकार को मुख्यमंत्री निवास पर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज दिनांक तक उस ज्ञापन पर चर्चा करने के लिए राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन को ना तो निगम प्रबंधन की तरफ से और ना सरकार की तरफ से वार्ता के लिए बुलाया गया है। परिवहन फेडरेशन का ये मानना है कि सरकार भले ही हमारे डेलीगेशन को वार्ता में बुलाने के लिए पारदर्शिता दर्शाए या नहीं, लेकिन परिवहन फेडरेशन जब कोई आंदोलन कार्यक्रम लेता है तो हमारे विशाल रैली प्रदर्शन से निश्चित रूप से सरकार तक हमारे कर्मचारियों की व्यथा को पहुंचाने में सफल रहते हैं और जिसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। हमने इसी चरण में 29 और 30 अगस्त को जयपुर मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किए थे। जयपुर संभाग के हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। दूसरे चरण में हमारे वेतन भत्तों को लेकर के, नवीन भर्ती और नए वाहन की खरीद को लेकर के और बस अड्डा प्राधिकरण जो योजना रोडवेज पर पूरे थोपी जा रही है, इन सब बातों को लेकर के हमने प्रदेश के सभी आगारों में ये प्रदर्शन किया है। उसी संदर्भ में आज अजमेर बस स्टैंड पर भी अजमेरू सीबीएस आगार के कर्मचारियों ने प्रदर्शन और ये ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन मुख्य प्रबंधक के माध्यम से हमारे अध्यक्ष है प्रदर्शन महोदय को सौंपा जाएगा। हम आशा ही नहीं, में विश्वास है कि आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय हमारे ज्ञापन पर सकारात्मक रूप रखते हुए हमारी मांगों का शीघ्र समाधान करेंगे। मैं आनंद सिंह नयाल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ। सर, आज किसको लेकर प्रदर्शन किया? आज राजस्थान परिवहन फेडरेशन के बैनर तले जो राजस्थान रोडवेज में राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से बस अड्डा प्राधिकरण की योजना लागू की जा रही है, उस बस अड्डा प्राधिकरण के तहत जो रोडवेज के ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस अधिग्रहण को रोकने के विरोध में प्रदर्शन था। और मुख्यतः जो राजस्थान रोडवेज में कार्यरत कर्मचारी है उनको विगत 2 माह से वेतन परिलाभ नहीं मिले हैं और जो रोडवेज से रिटायरमेंट हुए कर्मचारी है उनको 2 माह के पेंशन का भुगतान भी नहीं हुआ है और विगत 7 या 8 माह से जो सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी उनका सेवानिवृत्ति परिलाभ नहीं दिया गया। और राजस्थान रोडवेज में जो बेड़ा है वो बहुत पुराना हो चुका है, नई बसों की खरीद है, राजस्थान रोडवेज को सरकारी विभाग घोषित करने के लिए ये सारी मांगों के रूप में आज धरना प्रदर्शन किया गया था राजस्थान परिवहन फेडरेशन के बैनर तले। इसी क्रम में 28 और 29 अगस्त 2022 को मुख्यालय पे प्रदर्शन किया गया था 2 दिवस में। इसके दूसरे चरण में आज ये प्रदर्शन किया गया है धरना प्रदर्शन, उसमें मुख्य प्रबंधक के माध्यम से हमारे प्रबंध निदेशक महोदय को ज्ञापन दिया गया है और अगले की जो प्रीपार्टी है उसके लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। मैं धर्मेंद्र कुमार इंडोनिया, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ, जिला अजमेर।